गुड आफ्टरनून गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ना इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेट्स डू अ क्विक रिवीजन कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था। तो फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस विच इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस विच इज के Q1 Q2 अपॉन आर, एंड थर्ड एनर्जी और एल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस इज Q इंटू वी पोटेंशियल इंटू वोल्टेज, करेक्ट बोल रहे हो। अब इसमें हम लोगों ने दो यूनिट कन्वर्जन भी देखे थे, ठीक है। हम लोगों ने दो यूनिट कन्वर्जन देखे थे, क्या थे वो यूनिट कन्वर्जन? फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन वॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10^-19 जूल्स, एंड सेकेंड यूनिट कन्वर्जन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 मोल देन इट बिकम्स 96 किलो जूल। वेरी नाइस, 96 किलो जूल पर मोल, ये वर्ड मत भूलना, पर मोल। It is for 1 mole, guys. ठीक है, that is for 1 mole. ठीक है, so चलो आगे बढ़े। अब ये हम लोगों ने इतना last time देखा था, ये major point थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने थोड़े बहुत छोटे मोटे points तो discuss किए ही थे, but these were the major points, ठीक है। Now let's move towards atomic models, ठीक है। नया topic है, आज से start कर रहे हैं हम लोग atomic models, ठीक है। अब atomic model में सबसे पहला मॉडल हम लोगों को किसने दिया था? बताओ। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय बूम, जे जे थॉमसन। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, याद रखो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो हम लोगों को दिया था सर जे जे थॉमसन ने, ठीक है। अब जे जे थॉमसन टोल्ड अस व्हाट, दैट एटम इज अ spherical atom is a positively charged uniform sphere in which electrons are embedded uniformly so that overall atom is electrically न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है। लेट मी रिपीट अगेन, एटम इज अ स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसमें पॉजिटिव चार्ज जैसे एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एंड उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है वो ऐसी तरह से एम्बेडेड है जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल बन रहा है। तो देखो एक स्पीयर है, this is a sphere, ठीक है, it is a uniformly charged sphere, and इसके ऊपर कौन present है, तो इसके ऊपर हमारा positive charge distributed है, ठीक है। तो positive charge है इसके ऊपर, ऐसे समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। it is a positively charged sphere and on which electrons are embedded uniformly, तो overall इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। गाइज आज हम लोग टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, ओके। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
and this is the uniformly charged atom. This model is also known as नंबर वन प्लम पुडिंग मॉडल, ये याद है ना तुम लोगों को, प्लम पुडिंग मॉडल. नंबर टू वॉटरमेलन मॉडल. नंबर थ्री रेजिन कुकी मॉडल, रेजिन कुकी मॉडल. तो देर आर एन नंबर ऑफ नेम्स. ठीक है, याद रखो जे जे थॉम्सन का मॉडल ये एकदम सिंपल मॉडल था. हम लोगों को क्या क्या चीजें पता चली थी, हम लोगों को पता चला था कुछ तो नेगेटिवली चार्ज है, कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज है. तो जे जे थॉम्सन ने क्या बोला कि एटम अगर नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर वॉट इज द रेजिन, रेजिन मतलब मनु का. ठीक है, नाशिक वालों को रेजिन नहीं पता है, आयरन ही देखो तो ग्रेप सुखाने के बाद जो मिलता है, ठीक है, रेजिन. ओके, तो वेर आई वॉज, हाँ, तो ओवरऑल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए. देखो अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए. तो उन्होंने बताया कि पूरा जो एटम है, पूरा जो ये स्पीयर है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिवली चार्ज पड़े हुए हैं. ठीक है, तो ओवरऑल जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, न्यूट्रल. क्योंकि तुम लोगों को ऐसे होता है क्या ऐसे ही तुम लोग ऐसे मूव कर रहे हो और किसी चीज को तुम लोगों ने हाथ लगाया, उसके अंदर के एटम तुम लोगों को करंट मार रहे हैं. अगर एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो और तुम लोग चलते चलते किसी चीज को टच करो जिसके अंदर एटम है और सिर्फ अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली तुम लोगों को करंट लगता है. बट करंट लगता है क्या हम लोगों को? नहीं लगता. वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम लोगों के अंदर फ्लो नहीं होता. व्हाई? बिकॉज इट इज एम्बेडेड ऑन पॉजिटिव चार्ज. उनकी इतनी थियरी थी, नथिंग एल्स. ठीक है, तो जे जे थॉम्सन की थियरी सबसे सिंपल है एंड ये थियरी तुम लोगों को कॉलेज के एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है गाइस, एंड आउट. ओके, अब नेक्स्ट मॉडल की तरफ जाते हैं. सेकेंड मॉडल वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो पहले हम लोग रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ही देखने वाले हैं. ठीक है, जिस किसी का लिखना बाकी होगा लिख दो, जिस किसी का लिखना बाकी है लिख दो ये जरा. अब तुम लोगों को फिगर्स भी बनाने हैं, जब ये डायग्राम तुम लोगों को बनानी है. ओके, चलो गाइस आगे बढ़े, हो गया होगा सबका लिख के. तो नाउ नेक्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अब देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक बड़ी सी शीट ली. देखो ये उन्होंने ऐसे एक बड़ी सी शीट ली, अच्छे से देखना, एंड इस बड़ी सी शीट को सर्कुलर शेप में अरेंज किया. कौन से शेप में अरेंज किया? सर्कुलर शेप. देखो उनकी अरेंजमेंट, ये तुम लोगों को थोड़ा थ्री डायमेंशन में सोचना है. जे जे थॉम्सन के मॉडल के ये अलग अलग नाम हम लोगों ने रखे हैं गाइस, जे जे थॉम्सन ने खुद नहीं रखे थे. तो उस शीट को उन्होंने सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया. गाइस ये देखो, ये सर्कुलर अरेंजमेंट तुम लोगों को समझ में आ रही है मैं कैसे बना रहा हूं? ओके, ये समझ में आ रहा है सबको कि वो सर्कुलर है, वो ऐसे सर्कल में है. इट्स नॉट अ हॉर्सशू मैग्नेट गाइस, बट हाँ इट विल लुक लाइक अ लिटिल बिट ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट.
फ्रैक्चुअल में ये पूरा एक सर्कल बना रहा है, एक छोटा सा इधर ओपनिंग है, एक छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग है, एंड ये अंदर की साइड है, ये तुम लोगों को अंदर की साइड दिख रही है, ठीक है? तुम लोग जब इसे देख रहे हो तो तुम लोगों को अंदर की साइड दिख रही है, एंड ये बाकी की जो है वो बाहर की साइड है, ये समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, ये ऐसे 3D में मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा तुम लोगों को ग्रास पूरा है, ठीक है? ओके, तो ये अंदर की साइड जो है वहां पे उन्होंने कोटिंग की थी जिंक सल्फाइड की, ये अंदर की साइड जो है वहां पे उन्होंने कोटिंग की थी जिंक सल्फाइड की, ठीक है? तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पे हम लोगों ने की है, एंड अब यहाँ पे होने क्या वाला है, ठीक है? यहाँ पे जिंक सल्फाइड के बीच में हीप कोट, जिंक सल्फाइड स्किंटिलेटिंग करने का काम करेगा, स्किंटिलेशन देने का काम करेगा, करेक्ट बोल रहे हो? अब यहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड फॉयल अरेंज की, ठीक है? एक वेरी थिन पतली सी नाजुक सी गोल्ड फॉयल अरेंज कर दी। अब गोल्ड फॉयल के ऊपर वो एक बीम थ्रो करने वाले थे, और वो बीम किसकी थी, किसी को याद है? किसी को याद है ये एक्सपेरिमेंट? ओके, वेरी नाइस। अल्फा रेज की वो एक बीम सेंड करने वाले थे, करेक्ट बोल रहे हो? अल्फा रेज की एक बीम। अब अल्फा रेज देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्फा रेज कौन एमिट करेगा? अल्फा रेज कौन एमिट करेगा? अल्फा रेज कौन एमिट करता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तुम लोगों ने मूवीज में देखे रहेंगे, तो ये यूजुअली ऐसे हम लोग ग्रीनिश कलर से दिखाते हैं, ऐसे ग्रीन कलर की उसमें ग्लो रहती है, पता होगा, फ्लोरोसेंस आते हैं उनमें से, ठीक है? तो ये था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो उन्होंने पुट कर दिया था एक, जिसे उन्होंने पुट किया था एक लेड बॉक्स में। ये लेड बॉक्स क्यों यूज होता है? बिकॉज वो रेडिएशन को बाहर आने से रोकता है, ठीक है गाइस? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करने वाला था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंदर से अल्फा रेज एमिट करने वाला था। कौन सी रेज एमिट करने वाला था? अल्फा रेज एमिट करने वाला था, ठीक है गाइस? ओके, गोल्ड ही क्यों यूज किया गया? तो याद रखो, हम लोगों को एकदम पतली सी शीट चाहिए थी, एकदम पतली शीट, ठीक है? एंड गोल्ड ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत मेलिएबल है, एंड हम लोग इसे इजीली छोटी शीट्स में कट कर सकते हैं, या फिर छोटी शीट्स में बैंड कर सकते हैं, बैंड बोलने के बदले कट कर सकते हैं, या फिर खींच खींच के तन तन के उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है? तो वाई डस पीबी एमिट्स अल्फा रेज? पीबी एमिट नहीं कर रहे हो गाइज, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसने यूज किया था वो एमिट कर रहा है। क्या कर रहे हो? लेड बॉक्स है, लेड का बॉक्स यूज किया हम लोगों ने पीबी का, एंड दिस इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दिस इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है? तो फ्रॉम दैट अल्फा रेज कैन पेनिट्रेट ना, ऐसे कुछ नहीं, अल्फा रेज किसी भी एलिमेंट के थ्रू पास हो सकती है। अब अल्फा रेज पहले होती क्या है वो देख लेते हैं गाइस। तुम लोगों को आयनाइजेशन का कंसेप्ट याद है? अल्फा रेज होती क्या है वो पहले देख लेते हैं। तुम लोगों को आयनाइजेशन का कंसेप्ट याद है क्या गाइस? आयनाइजेशन का कंसेप्ट, ओके, आयनाइजेशन का कंसेप्ट याद है ना? तो देखो, हम लोगों के पास एक हीलियम एटम है, समझ लो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर रहता है 4, सॉरी हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर रहता है 4 और मास नंबर रहता है 2, ठीक है? एंड इसके पास आउटर मोस्ट में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ये तुम लोगों को पता होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन किया, तो इसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन मैंने इसको किया। अब मुझे बताओ, जब हम लोग एक नेगेटिव चार्ज निकालते हैं तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? एक नेगेटिव चार्ज निकालने के बाद एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4, ठीक है? अब ये हो गया सिंगल आयनाइज, और इसके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने बोला इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी क्यों रखे? उन्होंने बोला इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी क्यों रखे? नोबल गैसेस का भी हम लोग आयनाइजेशन कर सकते हैं अगर सफिशियंट एनर्जी देंगे तो उसमें से हम लोगों ने वो 1 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, तो बेचारे के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो Hg+2 चार्ज हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1+ चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो दूसरा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा 2.4, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ अल्फा पार्टिकल।
दिस इज कॉल्ड एज अ अल्फा पार्टिकल, एंड यहाँ पे इसका आयनाइजेशन एक बार हुआ है या दो बार हुआ है, इसका आयनाइजेशन दो बार हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड एज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम या फिर हीलियम आयन. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या रहता है, समझ में आ रहा है क्या? हीलियम विच हैज प्लस टू चार्ज, हीलियम विच हैज प्लस टू चार्ज. तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं. मेरे पास एक छोटा सा, तुम लोगों ने बचपन में कंचे खेले, कंचे मार्बल्स के साथ खेले, मार्बल्स के साथ खेला है क्या गाइस? गाइस अल्फा पार्टिकल ये हीलियम का ही एटम रहता है, याद रखना. ठीक है, मार्बल्स के साथ खेला है ना सबने, कंचे गोटियां भी बोलते हैं इनको कुछ लोग. ठीक है, तो गोटियों के साथ खेला होगा, मार्बल्स कंचों के साथ खेला ही होगा. अब मुझे बताओ, यूजुअली तुम लोग मार्बल के ऊपर जब दूसरा मार्बल कोलाइड कराते हो, एक छोटा सा मार्बल है, समझ लो एकदम छोटा सा मार्बल है, एक बड़ा मार्बल है और एक सामने की तरफ एक छोटा मार्बल है, तुम लोग इसके ऊपर इस मार्बल को कोलाइड करा रहे हो, तो तुम लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है? ये मार्बल इसके डायरेक्ट आर पार हो जाता है, करेक्ट और रॉन्ग? अगर एक बड़े मार्बल के ऊपर छोटा मार्बल तुम लोग कोलाइड करा रहे हो, तो वो मार्बल छोटा वाला उसके डायरेक्ट बड़े वाले के आर पार निकल जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग? ये देखा है तुम लोगों ने ऐसे डायरेक्ट आर पार निकलते हुए, एम आई राइट और एम आई राइट? नहीं, बराबर. ऐसा होता है क्या कि ये छोटा वाला मार्बल डायरेक्ट बड़े वाले मार्बल से आर पार निकल जाएगा? गाइस ऐसा होता है क्या? नहीं होता, करेक्ट और रॉन्ग? नहीं होता. ओके चलो ठीक है, तुम लोगों को इतना पता है कि ऐसा नहीं होता. तो क्या होता है गाइस, होता क्या है बताओ जरा, होता क्या है? ये बाउंस बैक होता है, ये छोटा वाला मार्बल बाउंस बैक होता है, करेक्ट ना? करेक्ट, ओके, बाउंस बैक होता है. अब ये बाउंस बैक कहाँ पे भी हो सकता है, ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, बट इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन. ओके, ये इतना तुम लोगों को पता है. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक बड़ा गोल्ड का एटम है, देखो ये एक बड़ा गोल्ड का एटम है, एंड तुम लोगों के पास एक छोटा सा हीलियम का एटम है, इतना तो मानते हो ना, हीलियम बहुत छोटा साइज होगा एंड गोल्ड बहुत बड़े साइज का होगा, सेम तो सिचुएशन है. हम लोगों को जे जे थॉमसन ने क्या बोला था, इट इज अ स्पीयर, एक स्पीयर है, तुम लोग इसको मार्बल की तरह अज्यूम कर सकते हो. अब स्पीयर है और तुम लोग उसके ऊपर हीलियम कोलाइड करा रहे हो, तो हीलियम क्या होना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए था गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हीलियम क्या होना चाहिए था, हीलियम बाउंस बैक होना चाहिए था, इज इट करेक्ट? ओके, वो बाउंस बैक होना चाहिए था, बट रदरफोर्ड वॉज शॉक्ड, रदरफोर्ड वॉज शॉक्ड बिकॉज ही सॉ कि भाई वो बाउंस बैक नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट आर पार निकल के पीछे की तरफ जा रहा है. रदरफोर्ड वॉज शॉक्ड बिकॉज वो बाउंस बैक ना होते हुए इट वॉज पेनिट्रेटिंग माई गोल्ड फॉइल एंड गोइंग स्ट्रेट अवे थ्रू इट. ठीक है गाइस, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया. तो रदरफोर्ड सॉ व्हाट, दैट दिस थिंग, दिस अल्फा रे पार्टिकल्स आर डायरेक्टली गोइंग थ्रू माय गोल्ड फॉइल शीट. ठीक है, AU थिन होने की वजह से दिस इज नॉट द थिंग गाइस, तुम लोग कितना भी थिन लो एटम को कट कर पाओगे क्या? किसी ने तो पूछा है कि सर AU थिन है इसलिए होगा, तो तुम लोग कितना भी थिन कट कर लो, एक एटम को तुम लोग कट कर पाओगे क्या? एटम थोड़ी ना कट कर पाओगे. एंड हीलियम के एटम की साइज, मतलब ये एटम्स तो कट नहीं होने वाले, ये ऐसे ही रहने वाले ना, मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब ये स्ट्रेट अवे पास हो रहा था, एंड स्ट्रेट अवे पास होने के बाद हम लोगों को बाहर की तरफ यहाँ पे ग्लो मिल रहा था, यहाँ पे मस्त वाला जिंक सल्फाइड ग्लो कर रहा था. ठीक है, ये समझ में आया होगा. बाद में उन्होंने नोटिस किया कि भाई इसके साथ साथ कुछ और अल्फा पार्टिकल्स है जो अलग अलग डायरेक्शन में भी बाउंस बैक हो रहे हैं, बट इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है. देखो ऑलमोस्ट, अच्छे से देखना, ये आज का लेक्चर मस्त इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को. ऑलमोस्ट 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट अवे निकल रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और डिविएशन. ठीक है, बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिविएट हो रहे थे, एंड डिविएट होने के बाद वो हम लोगों को स्किंटिलेशन दे रहे थे अलग अलग जगहों पे. ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो ग्रेटर देन 90 डिग्रीज के एंगल से भी बाउंस बैक हो रहे थे, एंड बहुत कम, लाखों में एक,
दस लाखों में एक, वन इन अ मिलियन अल्फा पार्टिकल, वो जो था वो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पीछे के डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है, डायरेक्ट वो स्ट्रेट अवे पीछे के डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री से बाउंस बैक हो रहा था। करेक्ट, वेरी नाइस। तो गाइस अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, इसमें कैसे वो डाउट, अब ऐसा क्यों हो रहा था वो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखने के बाद वो चक्कर में पड़ गया भाई कि ऐसा कैसे है, मैंने भी बचपन में कंचों के साथ खेला है, मैंने भी गोटियां खेली है, एंड मुझे पता है कि अगर एक बड़ी चीज के ऊपर, मतलब एक बड़ी सर्कुलर चीज के ऊपर जब मैं एक छोटी सर्कुलर चीज थ्रो करूंगा तो क्या होना चाहिए, गाइस बताओ क्या होना चाहिए, एक बड़े सर्कुलर चीज के ऊपर एक छोटी सर्कुलर चीज तुम लोग जब थ्रो बैक करते हो तो व्हाट शुड हैपन, इट शुड बाउंस बैक, ये बाउंस बैक होना चाहिए था, बट इट इज गोइंग स्ट्रेट अवे थ्रू इट, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर नॉर्मल फिजिक्स, ठीक है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, एंड बहुत कम पार्टिकल्स, बहुत ही कम, लेस देन 0.01% पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हो रहे हैं या फिर डिविएट हो रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण रीजन क्या है वो उनको जानना था। तो गाइज इसका अगर मैं तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन की 99% पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे निकल गए, लेस देन मतलब 1 in 220,000 पार्टिकल्स जो थे वो लेस देन 90 डिग्री से डिविएट हो गए, 1 in 1 lakh पार्टिकल्स जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिविएट हुए, एंड 1 in 10 lakh पार्टिकल मतलब 1 in 1 million पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री से बाउंस बैक हुआ, ये तुम लोग होमवर्क में लिख के ला सकते हो क्या ऑब्जर्वेशन मेरे लिए, इतना करोगे ऑब्जर्वेशन जो है इसका वो होमवर्क में लिख के लाओगे, इज इट ओके? 8 से 10 लाइन्स छोड़ना तुम लोगों के हैंडराइटिंग के हिसाब से, तुम लोगों ने ये 10th में भी किया है इसलिए ये एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स, तुम लोग 10th की टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हो या फिर अपनी 11th की टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक ओपन करो उसमें तुम लोगों को ये डेफिनेटली मिल जाएगा। तुम लोगों को रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन देखना है कि 99.9% जो है वो स्ट्रेट में पास हुए, 1 in 20,000 जो था वो लेस देन 90 डिग्री से डिविएट हुआ, एंड 1 in 1 million जो है वो 180 डिग्री से बाउंस बैक हुए। ये तुम लोगों को होमवर्क में करके लाना है। अब मैं तुम लोगों को कंक्लूजन बताने वाला हूँ, देखो लेट्स स्टार्ट विद कंक्लूजन। गाइस मेरी आवाज क्लियर आ रही है, पीछे से जरा डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्लियर है ना? ओके हाँ। तुम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ यप, माय वीडियो इज ऑफ बिकॉज माय इंटरनेट कनेक्शन इवन टुडे इट इज नॉट प्रॉपरली स्टेबल, ठीक है। अगर मैं नेट ऑन करूंगा तो मीटिंग बार बार कनेक्ट रीकनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट डिसकनेक्ट कनेक्ट डिसकनेक्ट ऐसे हो रही है। आयनाइजेशन ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है गाइस, जिस किसी को आयनाइजेशन में अभी भी डाउट है डोंट वरी, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ने वाले हैं। ओके okay. कंक्लूजन, वॉट इज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट ही थॉट कि अगर हीलियम एटम इसमें से डायरेक्ट बाउंस होके निकल रहा, बाउंस ना होते हुए डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पास हो रहा है, हीलियम एटम अगर मेरे गोल्ड के एटम में से स्ट्रेट अवे पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि गोल्ड का एटम जो है वो बहुत खाली है, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसका कंक्लूजन नंबर वन, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसकी, फिर हम लोग कंक्लूजन बनाते बैठेंगे। तो कंक्लूजन नंबर वन ये था कि जो हम लोग एटम्स यूज कर रहे हैं या फिर दुनिया के सारे एटम्स, ये खाली है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ऊपर से हम लोगों को लगता है कि ये बहुत भरा हुआ है बट एक्चुअल में ये खाली है। क्यों खाली है? अगर खाली नहीं रहेगा तो हीलियम के एटम्स स्ट्रेट अवे थोड़ी ना निकलते, वो बाउंस बैक होते, बट हम लोगों को दिख रहा है कि दे आर गोइंग स्ट्रेट अवे, तो वो डेफिनेटली खाली है। बट एटम के सेंटर में ऐसी जरूर कोई चीज है, एटम के सेंटर में ऐसी जरूर कोई चीज है जो बहुत डेंस है, जो बहुत डेंस है। क्यों बहुत वो डेंस है? बिकॉज हीलियम का एटम उसे ही टच करके एग्जैक्टली बाउंस बैक हो रहा होगा, उसे ही एग्जैक्ट टच करके पीछे बाउंस बैक हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट मी शो यू द डायग्राम। देखो अगर मैं ऐसे रैंडम लाइंस बनाना स्टार्ट करूँ गाइस, मैं अभी रैंडमली लाइंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तुम लोगों को लगता है क्या कि मैं एग्जैक्ट सेंटर में टच कर पाऊंगा? अभी मुझे पता है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है। देखो अब यहाँ पे मैं बहुत नजदीक आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मेरे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा बताओ?
हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब अल्फा पार्टिकल अभी थर्ड लाइन को, हाँ, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एंड जैसे ही रिपल्शन होगा गाइस, ये अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन को डिविएट करके थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। देखो अब वापस मैं लाइन बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारी लाइन्स, तुम लोग भी अगर ऐसे आंखें बंद करके भी लाइन्स बनाओगे तो ऑलमोस्ट सारी लाइन्स कैसे हो जाएंगी, वो स्ट्रेट अवे पास होंगी। तुम लोग को लगता है क्या कि कोई पार्टिकल एग्जैक्टली बीच में टच होगा? बहुत रेयरली ऐसा सिनेरियो आएगा। अभी भी देखो ये अगर एग्जैक्टली मैं निकालने जाऊँ तो वो यहाँ पे प्रॉपरली टच नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ। तो बहुत रेयर सिनेरियोज में कोई एक पार्टिकल आएगा जिसको वो हेड ऑन कोलाइड करेगा, सेंटर के डेंस मटेरियल के साथ वो हेड ऑन कोलाइड करेगा एंड उसके बाद वो बाउंस बैक होगा। गाइज आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बहुत रेयर सिनेरियो में कोई पार्टिकल एग्जैक्टली बीच में टच होगा एंड पीछे की तरफ बाउंस बैक होगा, मतलब ये एग्जैक्टली आया सामने से एंड वापस बाउंस बैक भी हो गया। ठीक है, तो फिर इन्होंने कंक्लूजन में क्या बताया? देखो ऊपर के ही कंक्लूजन हम लोग लिखने वाले अभी नीचे। उन्होंने सबसे पहले तो हम लोगों को बताया कि भाई देखो एटम जो है ना, हम लोगों को जितना भरा हुआ दिखता है उतना भरा हुआ है नहीं। ठीक है, एटम इज क्वाइट एम्प्टी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेस इन एटम, मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, इज एम्प्टी। पॉइंट नंबर टू, there must be some hard positively charged, guys ये मेरे साथ लिख रहे हो ना, hard positively charged dense substance at the center of the, अच्छा तुम लोगों को प्रीवियस पॉइंट पहले लिखना है क्या? ओके पहले पहले का लिख दो, फिर बाद में ये जो लास्ट के पॉइंट्स है वो मेरे साथ कंप्लीट कर देना, लिख दो।
ओके सॉरी गाइस, ऑडियो ऑफ हो गया था आई गेस। हाँ, तो एंड अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू द गोइंग क्लोज टू द डेंस ऑब्जेक्ट फील्स रिपल्शन एंड डिविएट्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल ओके। पॉइंट नंबर थ्री गाइस, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ये तो लिख देना, वन इन वन मिलियन, वन मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, वन इन वन मिलियन, वन इन वन मिलियन। ओके हाँ, किसी ने तो सेम क्वेश्चन पूछा जिसका गलती से मेरा माइक ऑफ था, तभी मैंने आंसर दिया था। गाइज वी आर नॉट टाइपिंग एनीथिंग, वी आर राइटिंग ऑन दिस पेज, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आई कैन सेंड इट टू यू इन पी एन जी, जेपेग, जेपीजी फाइव फॉर्मेट, ठीक है। तो तुम लोगों को इनमें से कोई फॉर्मेट चाहिए होगा तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, बट पीडीएफ फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। ओके, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वन इन 1 लाख, 10 लाख कोलाइड्स या फिर डज हेड ऑन कोलिजन, डज अ हेड ऑन कोलिजन विथ न्यूक्लियस एंड बाउंसेस बैक बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है गाइस। चलो, तो एनी डाउट? हाँ, अल्फा पार्टिकल शुड बी ऑफ, मतलब अल्फा पार्टिकल ये हमेशा हीलियम एटम्स के ही रहते हैं, अल्फा पार्टिकल ये हमेशा हीलियम एटम्स के रहते हैं और किसी एटम के नहीं रहता है, ठीक है। यस गाइस, मैं ये पीडीएफ के एंडिंग में तुम लोगों को मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी, कंटिन्यू करें सर। गाइस आवाज एकदम क्लियरली आ रही है ना, या पीछे से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है? जस्ट टेल मी इफ यू फील एनी डिस्टर्बेंस और सम काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, तो चलो, तो गाइस लिख के हो गया क्या सबका? किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो, किसी का लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो। ओके, ये लिख दो, 3 पॉइंट चाहिए छोटे छोटे, जल्दी कंप्लीट करो। एंड यप गाइस, अब ये यहाँ तक तो तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा था, ठीक है। आई होप तुम लोगों को पहले जो पढ़ा था उसमें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। पहले तुम लोगों को जितना समझा था उससे ज्यादा अभी समझा होगा थोड़ा बहुत। एंड अभी हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में और थोड़ी चीजें देखने वाले हैं जो हम लोगों को 11th एंड 12th में काम आएंगी, ठीक है। ओके, 180 डिग्री से जो बाउंस बैक हुआ उसके लिए उनको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़े थे। हम लोगों के पास डिटेक्टर्स नाम की चीज रहती है, गाइगर मिलर डिटेक्टर, काउंटर्स, ये ऐसी कुछ चीजें रहती है जिनके थ्रू हम लोग अल्फा पार्टिकल्स, हर एक एंगल के अल्फा पार्टिकल्स जो बाउंस बैक हो रहे हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तुम लोगों को हुआ ही नहीं था, करेक्ट, मैं भूल ही गया, ये तुम लोगों के सिलेबस से निकाल दिया था ना, बोला था तुम लोगों ने। ओके, तो चलो, आई होप तुम लोगों को ये एकदम क्लियरली समझ में आया होगा, तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो तो तुम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो रिजल्ट नंबर वन, उन्होंने हम लोगों को साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस बताए, अप्रोक्सीमेट साइज। क्या गाइज, मुझे ऐसा नहीं पूछना कि सर तो हर एक एटम कितनी रहती है क्या,
सर बड़े एटम की ज्यादा होगी, छोटे एटम की कम रहनी चाहिए, ऐसे मत आंसर क्वेश्चंस पूछना। हम लोग एग्जैक्ट साइज भी काउंट करेंगे विथ प्रॉपर फॉर्मूला, बट रदरफोर्ड ने हम लोगों को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके एक अप्रोक्सीमेट साइज दी थी। तो ही गेव अस साइज ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब गाइस आज वीडियो ऑफ रहने की वजह से मैं मेरी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो प्लीज तुम लोग मेरे साथ चैट पे ज्यादा टाइम एक्टिव रहना, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना, सो दैट मुझे पता चले कि तुम लोग हो वहां पे। ठीक है, ओके। तो देखो, अब तुम लोगों को एटम की डायग्राम बनानी है, एटम की डायग्राम बनानी है तुम लोगों को। तो चलो बनाओ मेरे साथ, और हो सके तो इतना बड़ा बनाओगे तो चलेगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, ऐसा ही बड़ा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब ही गेव अस रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ही गेव अस रेडियस ऑफ एटम, एंड रेडियस ऑफ एटम जो थी वो थी 10^-10 meter। 10^-10 meter इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 angstrom। तुम लोगों को 1 angstrom पता है ना, 10^-10 meter रहता है, ये सारे यूनिट्स तुम लोगों को पता है क्या? ओके, ही ऑल्सो गेव अस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर किसी को पता नहीं होगा तो याद रखना, 10^-10 meters को ही हम लोग 1 angstrom बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, अभी के लिए याद रखो, ये फिजिक्स में तुम लोगों को करवाएंगे, डोंट वरी गाइस। ठीक है, अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वॉज 10^-15 meter। मीटर तो यहाँ पे सबको पता है ना गाइस, 10^-15 meter। अब मीटर भी नहीं पता, तो 10^-15 meters इज कॉल्ड एज 1 femtometer। ठीक है, इज कॉल्ड एज 1 femtometer, 1 fm। अगेन फिजिक्स में ये सारे यूनिट्स तुम लोगों को बताए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट देम, बट अभी के लिए सिर्फ याद रखो रेडियस ऑफ एटम थी 10^-10 meter, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था 10^-15 meter। मुझे बताओ इन नंबर्स को देख के तुम लोगों को फीलिंग आ रही है क्या कि इनके बीच में बहुत माप भयंकर डिस्टेंस है? ऐसा लग रहा है क्या कि एटम पूरी तरह से खाली है? फीलिंग आ रही है कि एटम बहुत ज्यादा खाली है, ऐसा लग रहा है क्या तुम लोगों को? ओके, आ रही है, अगर इनको देख के ही आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी को ये नंबर समझने में डिफिकल्टी जा रही होगी, ठीक है, कुछ लोगों को ये नंबर समझने में डिफिकल्टी जाती है, ठीक है, कुछ लोगों को क्या, बहुतों को नंबर्स दी गई, ये ऐसे नंबर्स समझने में डिफिकल्टी जा सकती है। ठीक है, तो अब ये समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन करने वाले, FM मीन्स फेमटोमीटर, फेमटो, ठीक है, फेमटोमीटर, इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस becomes 1 centimeter, then calculate size of atom। ठीक है, अब ये अगर क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया तो तुम लोगों को एटम की फीलिंग आ जाएगी। ओके वैष्णव, वेरी फास्ट आंसर, वेरी नाइस आंसर, करेक्ट है। ओके, ये आपने पहले कभी किया था क्या वैष्णव? श्रद्धा, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। प्रणव, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके, ये 10th में तुम लोगों को कराया था। ओके अरिन, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके तो गाइस देखो, अगर किसी दिन हम लोगों ने गलती से भी न्यूक्लियस की साइज 1 centimeter जितनी बड़ी कर दी, ठीक है, तो हमारे हमारे एटम की साइज कितनी होगी वो जरा देखते, विजुअलाइज करते हैं। देखो हाँ गाइस, पहले न्यूक्लियस की साइज कितनी थी? 10^-10 meter थी। जब न्यूक्लियस 10^-10 meter का था तो एटम की साइज कितनी थी गाइस? 10^-10 meter। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैंने न्यूक्लियस अभी 1 centimeter का कर दिया तो एटम कितना होना चाहिए गाइस? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ये हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट।
एंड जब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, 10^-15 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10^-10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये 10^-15 नीचे आ जाएगा, तो 10^-15 मीटर, मीटर और मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, 10^-15 ऊपर चला जाएगा, 10^-10 इनटू 10^+15 और यूनिट बचेगा सेंटीमीटर, आंसर विल कम अराउंड 10^5 सेंटीमीटर, 10^5 इज नथिंग बट 1 लाख सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, करेक्ट बोल रहे हो श्रद्धा, 100 सेंटीमीटर्स, तो इसमें से ये 100 जो है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो और वो हो जाएगा 1000 मीटर, एंड 1000 मीटर मीन्स हाउ मच, 1000 मीटर मीन्स हाउ मच, ओके परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो, 1 किलोमीटर। तो गाइज अब तुम लोग इसको एकदम अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, समझो किसी दिन तुम लोगों का ये जो बीच में सेंटर में मैंने बनाया हुआ न्यूक्लियस है वो हो गया 1 सेंटीमीटर का, वो हो गया 1 सेंटीमीटर का, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व करने वाला है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है जो प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है वो कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा, करेक्ट अबाउट 1 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व करेगा। तो मुझे बताओ ये 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच की जो स्पेस बचेगी वो क्या बच जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे कुछ है क्या, कुछ यहाँ पे कुछ है क्या, दिस इज आर एम्प्टी स्पेस, करेक्ट दिस इज आर एम्प्टी स्पेस। गाइस तुम लोगों को एटम ये कितना इंटरेस्टिंग है वो फील आ रहा है क्या, मतलब कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट खाली है, फीलिंग आ रही है कि वो कितना खाली हो सकता है, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस है तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब वो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, एंड ऑलमोस्ट नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज अ फ्री स्पेस, ठीक है, एंड स्टिल वी आर मेड अप ऑफ दैट थिंग, सो इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग, ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे तुम लोगों ने ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स, हम लोग हर एक चीज की बात करेंगे, डोंट वरी, ऑर्बिट्स इसके बाहर आते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ही इतने साइज का रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो ऑलमोस्ट इतने साइज का रहता है, एंड उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनकी साइज तो और बढ़ते जाती है, मतलब तुम लोग और आगे जाओगे तो एम्प्टी स्पेस और बढ़ते जाती है, हर एक चीज करेंगे हम लोग। हाँ तो यहाँ पे तो किसी ने एंटमैन ये मूवी देखी है क्या, एंटमैन मूवी देखी है तुम लोगों ने, देखी है ना, ओके, तो एंटमैन में पता है वो ऐसे छोटा हो जाता है, जुप करके छोटा हो जाता है और जुप करके बड़ा हो जाता है, किसने देखा नहीं होगा तो एटलीस्ट टीवी पे एडवर्टाइज देखी होगी या फिर ट्रेलर देखा होगा, इतना तो हुआ किया होगा, तो बढ़ता है छोटा होता है, तो वहां पे उन्होंने यही एक साइफाई मूवी है, तो तुम लोगों को पता है कुछ सच नहीं रहता वहां पे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल बड़े बड़े वर्ड्स वो यूज करते हैं, करेक्ट बराबर बोल रहे हो, तो उन्होंने यही कंसेप्ट बताया है, ये बीच की जो एम्प्टी स्पेस है ना हम लोग उसे कम कर रहे हैं, एंड वो अगर कम हो गई तो एटम की साइज कम हो गई, अगर एटम की साइज कम हो गई तो ऑब्वियस है वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड अगर हम लोग एटम्स के बने तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो वो बंदा मतलब वो एंटमैन जो है वो छोटा कैसे होता है, तो ये बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको कम कर देते हैं वो, अपने बॉडी के एटम्स जो है उनके बीच की एम्प्टी स्पेस को कम कर देता है एंड वो छोटा हो जाता है, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कोई पूछना मत कि सर सच में हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता, ठीक है। यस प्रणव करेक्ट बोल रहे हो, पूरे यूनिवर्स की मुझे पता नहीं है बट आप पूरे अर्थ में से अगर अर्थ के एटम्स के एम्प्टी स्पेस निकाल दोगे तो डेफिनेटली वो एक एप्पल के साइज में भी क्यों एक आधे इंच में वो फिट हो जाएगी, ठीक है, एंड देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रॉन स्टार, सुना होगा तुम लोगों ने स्टार वॉर्स, इट्स नॉट लाइक इट इज नॉट पॉसिबल, तुम लोगों ने न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ऑल ऐसे ऐसी चीजों के नाम सुने रहेंगे मूवीज में, तो उनके बीच में एटम्स के बीच में स्पेसिंग ना के बराबर हो जाती है इसलिए उनकी डेंसिटी इतनी बड़ी बन जाती है, ठीक है, बट एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, ठीक है,
चलो हम लोग बहुत मूवीज में घुसने लग गए, तो बस हो गया उतना डिस्कशन। चलो लिख लो, ये कंप्लीट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी जब हाइट बढ़ती है तो हमारे एटम्स की साइज बढ़ती नहीं है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से हम लोगों को एक्स्ट्रा एटम्स मिलते हैं, वो हमारी हाइट बढ़ाता है। एटम्स की साइज कभी बढ़ नहीं सकती, कभी कम नहीं हो सकती, एटम्स का नंबर हम लोग बढ़ाते हैं। ओके चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थियोरी इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, वेरी वेरी लिमिटेड, उनका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम है। चलो तो यस वी कैन रिड्यूस नंबर ऑफ एटम्स, चर्बी कम करो अपने बॉडी की, नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों में से अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, इवन यू, तुम लोग, तुम्हारे अंदर की चर्बी, तुम लोगों के अंदर के मसल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, याद रखना। ओके चलो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, उन्होंने हम लोगों को टेक्निक बताई टू फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, टू फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, ठीक है। उन्होंने हम लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला दिया, देखते हैं वो फॉर्मूला क्या था। गाइस किसी का लिखना बाकी होगा तो डोंट वरी, तुम लोगों को राइटअप मिल जाएगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल था, आर एन इज इक्वल्स टू आर नॉट इन टू ए रेस टू 1/3, ठीक है। अब ए रेस टू 1/3 को और कौन से मेथड से हम लोग लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आर एन इज इक्वल्स टू आर नॉट इन टू क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है। दिस फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, अगर तुम लोग लकी हो तो तुम लोग ये इंजीनियरिंग के सेकेंड या थर्ड ईयर में सीखोगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी है, बट बहुत अच्छी है, ठीक है। रदरफोर्ड ने हम लोगों को ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। अब ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या कैसे यूज होता है, पहले तो इस फॉर्मूला में आर एन इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आर नॉट इट इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज अ कॉन्स्टेंट, एंड इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है इट वेरीज फ्रॉम 1.1 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर टू, ठीक है। ये टू का साइन है, मतलब 1.1 से लेके इट कैन वेरी फ्रॉम 1.44 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी एक रेंज रहती है, एंड अगर बहुत सी बार ये एग्जाम में हम लोगों को दिया ही नहीं जाता, ठीक है, हम लोगों को बहुत सी बार एग्जाम में ये वैल्यू दी ही नहीं जाती, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या लेते हैं, आर नॉट की हम लोग वैल्यू लेंगे 1/4/3 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू टेक इफ देर इज नो अदर वैल्यू गिवन, एंड फाइनली ए जो है इसका मीनिंग रहता है एटॉमिक मास, ठीक है गाइस। तो किसी को तो फर्स्ट पॉइंट भी चाहिए था, तो फर्स्ट पॉइंट भी देख लो, साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, इतनी ही हेडिंग थी, एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो गाइस ये दिस वॉज द फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला ये था, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज तुम लोगों को, इस फॉर्मूला का यूज फिजिक्स में बहुत बार होगा, फिजिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं, केमिस्ट्री में इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, बट एक क्वेश्चन हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए कर लेंगे, अगर क्वेश्चन आए तो वी शुड नो एटलीस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला, बाकी तुम लोगों को इसको फिजिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। तो तुम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, नथिंग एल्स। अब ऐसे टाइम पे तुम लोगों को क्या दिया है, पहली बात, मतलब मुझे बताओ, तुम लोगों को एटॉमिक मास दिया है क्या, तुम लोगों को एटॉमिक मास दिया है क्या गाइस, एटॉमिक मास दिया है, कितना दिया है बताओ, कितना दिया है। ओके 27 दिया है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोगों को आर नॉट दिया है क्या, आर नॉट, आई गेस आर नॉट नहीं दिया है, आर नॉट कितना लोगे बताओ, अगर आर नॉट नहीं दिया होगा तो
4/3 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा है, निकाल लोगे गाइस, कर लोगे ये, बताओ जरा इसका आंसर निकाल के दिखाओ। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ओके श्रद्धा करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है। आर्यन पवार करेक्ट आंसर है, सिमरन करेक्ट, ऋतुजा करेक्ट आंसर है, श्रुति करेक्ट है, विशाल करेक्ट है, करेक्ट आंसर, सिद्धेश करेक्ट, गायत्री करेक्ट, सिद्धेश, संस्कृति करेक्ट, ओके संस्कृति आपने, दैट इज 10^13, दिस इज 10^13 ना गाइस, ये तुम लोगों को 18 दिख रहा है आई गेस, दिस इज 13, मैं वापिस से लिख देता हूँ, ये एक्चुअली पेन की साइज जरा बड़ी है ना इसलिए वो 3 कभी कभी 8 जैसा दिखता है। ओके तिशा करेक्ट आंसर है, मानसी करेक्ट आंसर है। चलो गाइज बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं तो अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल था। देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब कुछ महारथियों ने क्यूब रूट ऑफ 27 को 9 ले लिया, कैसे मुझे पता नहीं बट 9 मत लो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग। देखो R0 इज 4/3 इंटू 10^-13 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है, इसे तुम लोग 9 कैसे ले रहे हो पता नहीं, अमन करेक्ट आंसर है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता है, या कुछ लोगों ने इसको 27 ही रख दिया, 27 रख दिया तो तुम लोगों का आंसर 36, जिन लोगों का आंसर 36 आ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का आंसर 12 आ रहा था उन लोगों ने इसको 9 ले लिया था, तो प्लीज क्यूब रूट ऑफ 27 जो रहता है वो 3 रहता है, तो 3 कैंसल आउट हो गए एंड योर आंसर विल बिकम, ओम करेक्ट आंसर था, 10^-13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके मानवी करेक्ट, ओम शिंदे करेक्ट आंसर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड अब अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने बोलूँ तो तुम लोगों को याद रखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10^-2 मीटर, ये सारे यूनिट कन्वर्जन कैसे यूज कर रहे हैं एंड ऑल फिजिक्स में कवर होगा। तो 10^-13 इंटू 10^-2 हो जाएगा 10^-15 मीटर। अब मुझे बताओ 10^-15 मीटर को तुम लोग क्या बोलते हो, फेमटोमीटर, तो इसे ही हम लोग लिख सकते हैं 4 फेमटोमीटर, गाइज एनी डाउट, करेक्ट, इसे ही हम लोग बोलेंगे FM मतलब फेमटोमीटर, ठीक है, एनी डाउट गाइज, ओके तो देखो तुम लोगों को रदरफोर्ड की थियरी कैसे लग रही है, मतलब एटम के बारे में इतना मुझे तो नहीं लगता कि हम में से किसी को पता था, ठीक है, तो फेमटो टी टी से टी ओ से एंडिंग हो रही है फेमटो, ठीक है, ओके तो चलो अब बट रदरफोर्ड की थियरी जितनी अच्छी है, इसने हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई, इसने हम लोगों को बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन दी, साइजेस बताए एटम के न्यूक्लियस के, बट इसके कुछ खुद के लिमिटेशंस थे, इसके खुद खुद के कुछ खुद के लिमिटेशंस थे। अब लिमिटेशंस क्या थे वो देखते हैं, तो लिमिटेशन में नंबर 1 था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नाउ वॉट इज अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो हम लोगों को पता है क्या, किसी को यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोगों को पता कब चलेगा, ये हम लोगों को बोर थियरी में पता चलेगा गाइज, लेट मी रिपीट, देखो रदरफोर्ड ने अपनी थियरी देने से पहले हमारे जे जे थॉमसन ने पहले से हम लोगों को कुछ तो बता के रखा था विच वॉज रॉन्ग,
तो फिर रदरफोर्ड ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को किसी ने पूछा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये मुझे जस्ट लिखा के दे रहा हूँ, तुम लोगों को लिखने की जरूरत तो नहीं है। लिमिटेशन क्या है? कुड नॉट एक्सप्लेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो देखो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये लिख के देता तो तुम लोगों को गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट भी पता थी क्या? नहीं पता थी, वो लिमिटेशन है इसलिए हम लोगों ने उसको उसके बाद पढ़ा। तो वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये रदरफोर्ड के थियोरी का लिमिटेशन है जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में मुझे अभी मत पूछो कि सर व्हाट इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एंड मोस्टली सेकेंड मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? आज ये हो नहीं पाएगा, आज हम लोगों को इसके पहले भी और थोड़ी बहुत चीजें कवर करनी है, ठीक है? पॉइंट नंबर टू, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ रिवॉल्विंग चार्ज्ड बॉडी मस्ट रेडिएट एनर्जी, ठीक है? मस्ट रेडिएट एनर्जी, हेंस हेंस इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ अल्टीमेटली कोलाइडिंग इन टू द न्यूक्लियस, ठीक है? तो गाइज ये सेकेंड पॉइंट था, तो देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी। तुम लोगों ने बचपन में टॉप्स से या फिर बेबलेट से खेला है क्या? टॉप्स भवरा जिसे हम लोग बोलते थे, या फिर बेबलेट्स, इनके साथ खेला है क्या? ठीक है, तो अब मुझे बताओ हम लोग जो टॉप्स या फिर जो बेबलेट्स हैं इनके साथ खेलते हैं, तो इसको हम लोगों ने एक बार घुमा दिया तो ये कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमते रहता है क्या? ये कंटिन्यूअसली गोल घूमते रहता है क्या? नहीं, वो अपनी खुद की एनर्जी लूज करते जाते हैं। अब ये लूज क्यों होते हैं एनर्जी? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं, ठीक है? अब सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के अंदर ऐसे कंटिन्यूअसली गोल घूमते जाएगा क्या सिर्फ? अब ये जब ऐसे कंटिन्यूअसली गोल रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे मैंने रिवॉल्यूशन करते हुए इसको दिखाया था, देखो एरोस दिखाए हैं, तो ये ऐसे रिवॉल्व करेगा तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी क्या होगी? ये अपनी एनर्जी रेडिएट करते जाएगा, ये अपनी एनर्जी लूज करते जाएगा। एंड जैसे जैसे अपनी एनर्जी ये लूज कर रहा है वो थकते जा रहा है ना, एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है, तो वो थकते जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होते जा रही है वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे अपनी स्पीड गवाते जाएगा। एंड अगर ऐसे गोल घूमने वाली चीज की स्पीड कम हो रही है तो वो क्या होगा? उसकी स्पीड अगर कम हो रही है तो क्या होगा? वो अंदर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लो डाउन होते जा रहा है। एंड वैसे अंदर की तरफ क्यों? क्योंकि उसको प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि उसको अपने प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन मिल रहा है, तो ऐसे अंदर की तरफ चला जा रहा है वो। बिल्कुल 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 चकली जैसे, ठीक है? एंड फाइनली फाइनली ऐसे गोल जर करके वो अंदर की तरफ चला गया, ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है? एंड जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिल गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंबाइन हो गए, खत्म। अभी कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो एटम इन जनरल हो क्या गया? डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे बताओ ऐसे होता है क्या कि कुछ टाइम के बाद एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? नहीं होता, करेक्ट। तो अगर ऐसा होता ही नहीं है, अगर ऐसा होता ही नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है, बराबर कि नहीं? समथिंग इज ऑफ हमारे रदरफोर्ड के थियोरी में, कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है? ओके।
हाँ तुम लोगों को ये वापस ड्रॉ करना है, तुम लोगों को मेरे साथ जितने भी डायग्राम बना रहा हूँ उतने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड हाँ, किसी ने तो एक क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये लिमिटेशन कैसे हो गया अगर वो रदरफोर्ड के बाद आए। तो गाइस याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के पहले पता था, ठीक है, हम लोग पढ़ते वक्त वो बाद में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों को बाद में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कुछ थोड़ी बहुत चीजें तो पता रहनी चाहिए ना पढ़ने से पहले, इसीलिए, ठीक है। तो सीक्वेंस हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से नहीं जा रहे, हम लोग अपनी स्टडी इजी करेंगे उसके हिसाब से जा रहे हैं। चलो तो लिख दो ये गाइस, कंप्लीट कर दो। यस डेफिनेटली, सेकेंड पॉइंट देखो वापिस। अब अगर तुम लोग कोई रोटेटिंग बॉडी देखोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए ऐसे रोटेट थोड़ी ना कर पाएगी, ऐसे कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो पाती है क्या? डेफिनेटली नहीं हो पाती। एक पॉइंट के बाद उसे रुकना पड़ता ही, अपनी एनर्जी गवा के वो रुक जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों के रदरफोर्ड ने हम लोगों को क्या बताया कि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन गोल रिवॉल्व करते रहेगा। अब मुझे बताओ ऐसा होगा क्या? डेफिनेटली ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लूज करते जाएगा। वो क्या करते जाएगा? अपने एनर्जी को लूज करते जाएगा। धीरे धीरे अगर वो अपने एनर्जी को लूज कर रहा है, धीरे धीरे अगर वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, तो वो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन उसका बढ़ते जाएगा, मतलब प्रोटॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएगा। धीरे धीरे वो प्रोटॉन की तरफ नजदीक जाते जा रहा है, मतलब वो एक ऐसे स्पाइरल पाथ में जा रहा है। एंड एक पॉइंट पे आके वो प्रोटॉन के अंदर घुस जाएगा, एंड उसके बाद एटम बचा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एटम कहाँ आएगा, ठीक है। थॉमसन लिमिटेशन वॉज कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। थॉमसन के यहाँ पे, अगर जे जे थॉमसन के यहाँ पे आपको लिमिटेशन लिखना है तो लिखना इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट। ओके चलो गाइस आगे बढ़े। प्लीज शो द प्रीवियस पार्ट, प्रीवियस पार्ट बाद में लिख देना, थोड़ी सी स्पेस तो आपने छोड़ी ही होगी। थोड़ी देर के बाद, मतलब लेक्चर के बाद आराम से लिखना। ओके तो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टू वर्ड्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट स्टडिंग जो हम लोगों को पता रहना चाहिए, तुम लोगों को मोल कंसेप्ट के थ्रू ये पहले से पता हो सकता है, बट वापस मुझसे पढ़ लेना, कोई हार्म नहीं है इसमें, ठीक है। एंड इसके ऐसे मत करना कि अरे ये हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, मैं अभी लेक्चर नहीं बैठ रहा हूँ, ऐसे मत करना, बिकॉज इसके बाद जो चीज़ आएगी वो डेफिनेटली नहीं रहेगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन रहता है जेड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे? जेड से, ठीक है। अब मुझे बताओ, बोर्स मॉडल बाद में आएगा, पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग बोर्स मॉडल इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर मतलब क्या? तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इन एन एटम। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमेशा सेम रहते कि नहीं रहते गाइस? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हमेशा सेम रहने चाहिए, बराबर के नहीं? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? तो मैं ऐसे टेक्निकली बोल सकता हूँ, बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। याद रखो, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, क्योंकि पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन
विच इज इक्वल्स टू जेड. ऐसे टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, विच इज इक्वल्स टू जेड. बाकी टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं क्या? तो बाकी टाइम पे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. अब अगर समझो कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज हो गई, किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे पता पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया मतलब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है. पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब करेक्ट बोल रहे हो सब जन, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया. ठीक है, अब याद रखो हम लोग प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं. हम लोग प्रोटॉन को ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, कौन सी प्रोसेस पॉसिबल होती है? तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन ही तुम लोग ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता. तो प्रोटॉन अगेन, प्रोटॉन का नंबर सेम है, इट इज इक्वल्स टू जेड. प्रोटॉन का नंबर अभी भी सेम है विच इज इक्वल्स टू जेड, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया जेड माइनस चार्ज. ये फॉर्मूला तुम लोगों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे यूज होता है, अभी के लिए फॉर्मूला लिख दो. ठीक है, अब अगर नेगेटिव चार्ज आया, अगर नेगेटिव चार्ज आया देन व्हाट वी हैव टू एक्सपेक्ट इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच वन विल बी इन ग्रेटर नंबर, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? हाँ करेक्ट बोल रहे हो अमन, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन ग्रेटर नंबर, तो वी हैव एडेड सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया. तो प्रोटॉन का नंबर अभी भी वही है, सेम है विच इज इक्वल टू जेड, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया जेड माइनस चार्ज. इन बोथ द केसेज वी आर राइटिंग जेड माइनस चार्ज, दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर चाहिए तो याद रखना, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को कोई भी एग्जाम्पल. ठीक है, बट स्टिल हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, कार्बन 6, बेरिलियम 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट. अब एटॉमिक मास की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड इज एटॉमिक मास. मुझे बताओ एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेशन इसका रहता है कैपिटल ए से. एटॉमिक मास कंटेन्स विच कंपोनेंट्स, विच फंडामेंटल पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कौन रहता है एटॉमिक मास में बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? तुम लोगों को पहले से ये पता होगा थोड़ा बहुत. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? वेरी नाइस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास. ठीक है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. वेरी नाइस. ठीक है, अब मुझे बताओ इसे अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एटॉमिक मास हम लोग ए से दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जेड से दिखा सकता हूँ, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में एन से निकाल सकता हूँ. चलेगा, अब मुझे बताओ यहाँ पे मुझे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास माइनस जेड. गाइज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला पता चला. देखो तुम लोगों को सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, कौन सी तीन चीजें? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जेड माइनस चार्ज. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जेड माइनस चार्ज. ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास माइनस जेड. ठीक है, एटॉमिक मास ए माइनस जेड. ठीक है, तो एनी डाउट गाइस? एनी डाउट? ओके, अब ये इसके एग्जांपल्स भी थोड़े बहुत लिख दो, इसके भी एग्जांपल्स थोड़े बहुत लिख दो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे. तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास रहता है 12, हीलियम का रहता है 4, हाइड्रोजन का रहता है 1, बेरिलियम का रहता है 9. ठीक है, सम एग्जांपल्स. चार्ज तुम लोगों को कैलकुलेट करना ही रहता, क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहा हूं मैं, डोंट वरी. अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एक टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, तुम लोगों को एक टेबल बनाना है. पहले मैं तुम लोगों को एलिमेंट लिख के दूंगा, तुम लोग उसमें मुझे बताओगे व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला रहता है विच इज इक्वल्स टू जेड. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू जेड
वॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज जेड माइनस चार्ज एंड वॉट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज ए माइनस जेड. ठीक है, तो ओके गाइज सॉरी, ये लिखना लिखा होगा तो थोड़ा इरेज कर दो. पहले हम लोग एटॉमिक सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लेते हैं. एटॉमिक सिंबल, ठीक है, एटॉमिक सिंबल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो देखो, एटम का सिंबल समझो एक्स है, तो हम लोग एक्स ऐसे बड़े अक्षरों में ऐसे कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं. उसके नीचे की तरफ एक नंबर रहता है विच रिप्रेजेंट जेड एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ एक नंबर रहता है ए विच रिप्रेजेंट एटॉमिक मास. ठीक है, तुम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. सिमिलरली इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है कभी कभी, ए एक्स जेड. सिमिलरली इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, एक्स जेड नीचे ए ऊपर. ठीक है, हमेशा याद रखो नीचे वाला जो नंबर रहता है वो छोटा रहता है विच इज एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला नंबर जो रहता है वो बड़ा रहता है विच इज एटॉमिक मास. ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोगों ने पहले दिखा था. मैं तुम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट्स दूंगा कुछ या फिर कुछ आयंस दूंगा. ठीक है, तुम लोग मुझे उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका कितना आएगा Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे Z माइनस चार्ज एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा A माइनस Z. ठीक है, ये तीन चीज मुझे बताओगे, करोगे गाइस, खुद करोगे क्या? देखो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ. पहले कार्बन 6, 13. ठीक है, तुम लोगों को इतना याद रखना है कि Z इज कैपिटल है. हाँ, Z इज कैपिटल, कभी कभी वो मुझसे स्मॉल निकल रहा है बट Z इज कैपिटल. नीचे वाला नंबर इज Z एंड अपर नंबर इज A. ठीक है, छोटा नंबर हमेशा Z रहेगा, बड़ा वाला नंबर जो है वो एटॉमिक मास मतलब A रहेगा. अब प्रोटॉन का नंबर तुम लोगों को नीचे वाला नंबर डायरेक्ट छापना है 6. इलेक्ट्रॉन का नंबर Z माइनस चार्ज, मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज दिख रहा है क्या, कोई चार्ज लिखा हुआ है क्या? कोई नहीं है, तो 6 माइनस 0 6 ही रहेगा. अब अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, न्यूट्रॉन मतलब क्या, अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7. तुम लोग अगर इसको इजिली कर पा रहे हो तो तुम लोग डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो. करोगे गाइस, खुद करोगे क्या, ये खुद करोगे ना? ओके चलो करो, जरा ट्राई करो. सारे आंसर एक साथ, सब कुछ सारे के सारे आंसर ऐसे एक साथ भेज देना. ठीक है, और मुझे समझ में आ जाएगा तुम लोगों ने क्या सेंड किया, कैसे भी सेंड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और एक साथ ही भेजना, बट मतलब कैसे मैं एक साथ सारे आंसर देख पाऊँ. ओके श्रद्धा, वेरी नाइस, ऑल आंसर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट द, ना ना, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, ऑल आंसर्स आर करेक्ट. ओके, जो लोग सारे के सारे आंसर सेंड कर रहे हैं उनको ही मैं रिप्लाई देने वाला हूँ गाइस. ठीक है, एक एक करके आंसर, बहुत टीडियस हो जाएगा वो. पहले चार के आंसर तुम लोग एक साथ भेजना प्लीज. क्या आई गेस इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए. चलो सॉल्व करो, मानने चाहिए तो खुद से भी तुम लोग चेक कर ही सकते हो मैं सॉल्व करके देने ही वाला हूँ. सी दिस इज वेरी इजी. या
चार्ज वाले क्वेश्चन के आंसर जरा केयरफुली देखो, वहां पे इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को माइनस चार्ज कर रहे हैं, जेड माइनस चार्ज, ठीक है? श्रद्धा आपका लास्ट आंसर इज करेक्ट, ओके। श्रुति ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। चलो किधर गए सब्जन, हो रहा है कि नहीं, आंसर आ रहे कि नहीं? ओके गायत्री ऑल आंसर्स आर करेक्ट। संजीवनी ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। ओके मुग्धा ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके वैष्णवी आपके, सॉरी वैष्णवी नहीं, विशाल आपके पहले चार आंसर्स करेक्ट हैं, उसके बाद वालों में आपने इलेक्ट्रॉन के इसमें मिस्टेक की है। ओके सिमरन ऑल आंसर्स आर करेक्ट, सारे के सारे साथ के साथ, वेरी नाइस। यश फर्स्ट फोर आंसर्स आर करेक्ट, गुड। ओमकार फिफ्थ और सिक्स में मिस्टेक के इलेक्ट्रॉन के नंबर में। चलो गाइस सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ तुम लोगों को फिफ्थ और सिक्स में मिस्टेक हो रही है, तुम लोगों की फिफ्थ और सिक्स वाले में मिस्टेक हो रही है, तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो जरा देख लेते हैं अभी। चलो ओके गाइस रेडी? अरे गाइस अभी जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी जरा लिख रहा हूँ। ओके तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर इज ऑलवेज जेड, तो तुम लोगों को डायरेक्ट नाइन। इलेक्ट्रॉन का नंबर जेड माइनस चार्ज, चार्ज है ही नहीं तो 9 माइनस 0 9 ही बचेगा। अब अपर नंबर माइनस लोअर नंबर तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक है? अब सल्फर जेड की वैल्यू प्रोटॉन के लिए 16, 16 ही रहेगा यहाँ पे, चार्ज नहीं है। एंड 32 माइनस 16 कितना बचेगा, तो वापस ये बचेगा 16, ठीक है गाइस? पोटेशियम देखो ये 19, चार्जलेस है तो अगेन 19, एंड 39 माइनस 19 बचेगा 20, ठीक है? अब उसके आगे देखो 26, तो आयन ये 26 ही रहेगा, चार्ज है ही नहीं तो ये भी 26 रहेगा। एंड 26 माइनस 56, मतलब 56 माइनस 26 30। नाइट्रोजन देखो एटॉमिक नंबर 7, क्योंकि जेड 7 है, प्रोटॉन के नंबर भी 7 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस कर रहा है तो 7 माइनस चार्ज कितना चार्ज है, -3 चार्ज है, तो ये माइनस कर दो, आंसर बचेगा 10। गाइस 7 माइनस -3 मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10। गेटिंग इट और नॉट? एंड फाइनली अपर नंबर माइनस लोअर नंबर 14 माइनस 7 10, ठीक है? एनी डाउट? अब प्रोटॉन, प्रोटॉन बोल रहा हूँ मैं, फॉस्फोरस के केस में हम लोगों को 15 एटॉमिक नंबर दे के रखा है, मतलब जेड हो गया 15, प्रोटॉन के नंबर हो गए 15। अब 15 माइनस चार्ज मतलब -3 माइनस करो, तो 15 माइनस -3 15 प्लस 3 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 18। एंड अपर नंबर माइनस लोअर नंबर 31 माइनस 15 इट विल बिकम 16, ठीक है? 16 ही है ना वो, हाँ। अब 11 यहाँ पे आएगा 11। अब 11 माइनस प्लस 1 तो 11 माइनस 1 ये आएगा 10, एंड 23 माइनस 11 ये हो जाएगा 12। गाइज सबको अपनी अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, जिन्होंने जहां पे मिस्टेक की थी तुम लोगों ने माइनस चार्ज भूल गए, तुम लोग उसको प्लस मान रहे थे, ठीक है? ओके वेरी नाइस, चलो अच्छा है। किसी को अभी भी इसमें कुछ डाउट है क्या, किसी को अभी भी इसमें कुछ डाउट है क्या, तो पूछ सकते हो तुम लोग। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम लोग कंपाउंड्स और आयंस के लिए करने वाले हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंपाउंड्स और आयंस के लिए करने वाले हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन जरा ये किए थे, गलत लिखे थे, इट शुड बी 7। यस अमन व्हाट इज योर क्वेश्चन?
अच्छा वैसे आपको और क्वेश्चन चाहिए? वन मोर क्वेश्चन प्लीज. ओके यप डेफिनेटली हम लोग और क्वेश्चन लेने ही वाले हैं. अब हम लोग जरा कंपाउंड्स या फिर आयन्स की बात करने वाले हैं. ठीक है गाइस, अभी सब जन ऐसे चीखना चिल्लाना स्टार्ट मत होना कि सर कंपाउंड और आयन्स के लिए हम लोग अटोमिक नंबर नहीं लिख सकते हैं. मुझे भी पता है ये अटोमिक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, बट जस्ट सो दैट तुम लोगों का आंसर इजीली है इसलिए मैं यहाँ पे अटोमिक नंबर गलत लिख रहा हूँ. ठीक है, बट प्लीज ऐसे मत बोलना कि इट इज रॉन्ग. आई नो इट इज रॉन्ग, बट हम लोग प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए कुछ भी चलता है. ठीक है, अटोमिक नंबर, मॉलिक्युलर मास, अभी हम लोग कंपाउंड या फिर इनकी बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग मॉलिक्युलर मास बोल देते हैं. मॉलिक्युलर मास, उनका मास, जैसे हम लोग ए से ही दिखाएंगे अभी भी, बट ठीक है. फिर तुम लोग बताओगे प्रोटॉन के नंबर जेड, इलेक्ट्रॉन के नंबर जेड माइनस चार्ज एंड न्यूट्रॉन के नंबर ए माइनस जेड. ठीक है गाइस, चलो एक फर्स्ट कंपाउंड, एक इजी कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एसओ टू. ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड इज एसओ टू. एसओ टू का तुम लोगों को पहले से डेटा देके रखा है. सल्फर का मास रहता, सल्फर का एटॉमिक नंबर रहता है 16, उसका मास रहता है 32. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, इसका मास रहता है 16. ठीक है, ये तुम लोगों को पहले से बता के रखा है. अब मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए. एसओ टू का एटॉमिक नंबर रहना नहीं चाहिए, ऑब्वियस है, मॉलिक्यूल है वो, कंपाउंड है, बट फिर भी अगर हम लोग हाइपोथेटिकली बोलने गए तो हाइपोथेटिकली इसका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए, काउंट करो. श्रद्धा करेक्ट? नहीं श्रद्धा, आप एटॉमिक मास भेज रहे हो. सोहम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. गाइस देखो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास तुम लोग अगर काउंट करोगे तो सल्फर का एटॉमिक मास आएगा 16. ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर अगर काउंट करोगे तो सल्फर का 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बट सिंस देयर आर टू ऑक्सीजन तो 8 × 2 करना पड़ेगा. गाइस जो लोग 24 बोल रहे थे, आर्यन करेक्ट आंसर तो आपका भी, वेरी नाइस. जो लोग 24 आंसर बोल रहे थे, मिस्टेक समझ में आ रही है, तो 16 + 16 आंसर विल बिकम 32. ठीक है, अब एटॉमिक मास के केस में एटॉमिक मास देखो, सल्फर का रहता है 32 प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा 16 × 2, ऑक्सीजन बन जाएगा 16 × 2 तो ये हो जाएगा 64. वेरी नाइस, परफेक्ट, करेक्ट. ठीक है, अभी भी कुछ लोग ऑक्सीजन को दो बार काउंट करना भूल रहे हैं, प्लीज वैसा मत करो. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बताओ. वेरी नाइस, करेक्ट, 32 आएंगे यहाँ पे अभी साहब. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिली तुम लोगों को एग्जाम में एटॉमिक नंबर या मॉलिक्युलर मास कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज रॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर इज रॉन्ग, मॉलिक्युलर मास इज करेक्ट, बट मॉलिक्युलर मास निकालना ये तो एकदम चिंदीगिरी हो गई. तुम लोगों को एग्जाम में प्रोटॉन का नंबर पूछ सकते हैं कॉलेज के एग्जाम में एटलीस्ट, तब हम लोगों को ये निकालने आना चाहिए. तो प्रोटॉन का नंबर कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है, जेड माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे. अब ए माइनस जेड, ए तुम लोगों का 64 है, माइनस जेड 32, तो आंसर आएगा वापस 32. गाइस समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट SO4-2, ये तुम लोग करो. अभी सल्फर का डेटा तुम लोगों को ऊपर ही है, ऑक्सीजन का भी डेटा तुम लोगों के पास ही है, तो तुम लोग अभी ये सॉल्व करो, जरा इसे तुम लोग सॉल्व करो SO4-2. तिशा यू हैव रेज्ड योर हैंड, डू यू हैव एनी डाउट, या इट इज जस्ट अ मिस्टेक? ओके मिस्टेक अंदर था आई गेस. चलो तो लिखो SO4-2. ओके आर्यन, वेरी नाइस, सारे आंसर्स करेक्ट है. सारे के सारे आंसर ऐसे एक ही लाइन में बाजू बाजू में देते जाओ, सो दैट मैं इजीली तुम लोगों को इवेल्युएट कर पाऊँ. एक एक समझना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं ना यहाँ पे. ओके तो चलो, बहुत लोग छोटी छोटी सिंपल सिंपल मिस्टेक्स कर रहे हैं. तुम लोग ऑक्सीजन चार बार ये भूल रहे हो और ऑक्सीजन दो बार ले रहे हो. कुछ लोग ऑक्सीजन का नंबर महाभयंकर है, फिर कुछ लोग सिंपल कैलकुलेशन मेथड कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं. श्रद्धा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. तुम लोगों को ऊपर के नंबर देखने हैं, मतलब सल्फर का 32 मास है, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, ऑक्सीजन का 8 है. ओके सिद्धेश
इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी सारे आंसर्स करेक्ट हैं। चलो गाइस मैं अभी बताता हूँ, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एंड सिंस देयर आर फोर ऑक्सीजन, SO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 16 प्लस 32 हो जाएगा 48। गाइस अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो सल्फर 16 और ऑक्सीजन 8 याद रखना, ठीक है। अब आगे मॉलिक्युलर मास, अब मुझे बताओ सल्फर का मास कितना है, 32 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 इंटू 4, तो 32 प्लस 64 इट बिकम्स 96, ठीक है, इट बिकम्स 96, करेक्ट बोल रहे हो सबजन। अब फाइनली जेड कितना आएगा, जेड अपना वही हमेशा वाला पहले जो निकाला वो प्रोटॉन का नंबर 48, जेड माइनस चार्ज 48 माइनस चार्ज विच इज माइनस 2, आंसर विल बिकम 50, करेक्ट बोल रहे हो, एंड 96 जेड माइनस ए, तो 96 माइनस 48 इट विल अगेन बिकम 48। चलो गाइज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन ये टॉपिक खत्म करके हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 4, 7 और एटॉमिक मास रहता है 14, हाइड्रोजन का रहता है 1, 1, ठीक है। तो चलो ये करो अभी, NH4 प्लस करो अभी, गाइस तुम लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है, याद रखो जितने हो सके उतने क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। अभिजीत करेक्ट आंसर है, अभिजीत आपने कुछ तो गड़बड़ किया, एक बार क्रॉस चेक करना। ओके आर्यन ऑल आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस ओम, ऑल आंसर्स आर करेक्ट, विशाल ऑल आंसर्स आर करेक्ट, श्रद्धा ऑल आंसर्स आर करेक्ट, ओम ऑल आंसर्स आर करेक्ट, तिशा आपके पहले तीन आंसर करेक्ट है, उसके बाद आपने क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है, मयूर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ओके चलो गाइस सिद्धेश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मिस्टेक है, इलेक्ट्रॉन्स में देख लो जरा क्या मिस्टेक किया आपने। ओके धनंजय, इलेक्ट्रॉन का नंबर आपने दिया नहीं है, बाकी सारे आंसर करेक्ट है। ओके चलो गाइस मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, देखो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस 1 इंटू 4 टोटल हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 1 इंटू 4 टोटल हो जाएगा 18, यहाँ पे आएगा 11, चार्ज तुम लोगों को माइनस कर रहे हैं तो 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, एंड फाइनली 18 माइनस 11 हो जाएगा 7, ठीक है गाइस। चलो लिख दो ये, कंप्लीट करो इसे, नहीं अमन आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर गलत लिखा था, देखो एक बार, ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोसीरीज, ठीक है। अब आइसोसीरीज में हम लोग चार चीजें पढ़ने वाले हैं, नंबर वन इज आइसोटोप्स, नंबर टू इज आइसोटोन्स, नंबर थ्री इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एंड नंबर फोर इज आइसोबार, ठीक है। तो ये हम लोग इतनी चीजें अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। अब आइसो का मीनिंग क्या है, किसी को पता है आइसो का मीनिंग क्या है, आइसो का मीनिंग क्या है किसी को पता है,
What is the meaning of ISO? ISO means same. Very nice. ISO means constant or else same. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तुम लोगों को ISO मतलब क्या, तो constant या फिर same. Constant अगर कोई चीज है मतलब वो same रह रही है, तो ISO means same. एंड यहाँ पे देखो आइसोटोप में P आता है, तो आइसोटोप में रहेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आइसोटोप में क्या रहने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, अब आइसोटोन्स में N आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आइसोटोन्स में, मैं तुम लोगों को पहले ट्रिक बता रहा हूँ, तो पहले ट्रिक देख लो, बाद में तुम लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन पता हो गया. आई नो आइसोटोन्स में क्या आएगा, सेम न्यूट्रॉन्स. वेरी नाइस, सेम न्यूट्रॉन्स, परफेक्ट. अब मुझे बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स. वेरी नाइस. एंड फाइनली आइसो बार, देखो बार ये एक ऐसी चीज रहती है जहां पे सारे लोग एक साथ आते हैं, करेक्ट, घुल मिल के बैठते हैं, तो आइसो बार में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या फिर सेम एटॉमिक मास. ठीक है, दोनों एक साथ आ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ में आ रहे हैं, तो ना दीज आर आइसो सीरीज. ठीक है, अब इन टाइप्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले आइसोटोप्स से, एंड आइसोटोप्स तुम लोगों को पहले से पता होगा आइसोटोप्स की टेक्सचुअल डेफिनेशन क्या होती है, तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड एज आइसोटोप. ठीक है, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में एक बार में तुम लोगों को पूरी डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ. एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर जेड, सेम एटॉमिक नंबर बट different, thanks Aman, different atomic mass is called as isotope. ठीक है, अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों को नहीं लिखनी है, हम लोगों को एंट्रेंस की एग्जाम देनी है, याद रखना. इतना बड़ा याद रख के अपने को कुछ मिलने वाला है क्या, बहुत सारी चीजें अपने को याद रखने के लिए, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ट्रिक्स बना के रखनी है. तो यहाँ पे क्या सेम रहने वाला है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड सेम रहेंगे, बट क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट क्या रहने वाला है, तो न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक मास. ठीक है, यहाँ पे भी जेड या फिर प्रोटॉन नंबर सेम रहेंगे, बट डिफरेंट क्या रहेगा, न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक मास. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख दो. देखो हाइड्रोजन, सेकेंड वन उसका आइसोटोप रहता है ड्यूटेरियम, एंड थर्ड इसका आइसोटोप रहता है ट्रिटियम. ठीक है, कार्बन भी तुम लोग लिख सकते हो, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. ठीक है, सिमिलरली तुम लोग और यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन 17, 35, फ्लोरिन 17, 37. ठीक है गाइस, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स. नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेकेंड इज आइसोटोन. अब आइसोटोन में क्या डिफरेंट रहता है और क्या सेम रहता है, सेम क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे सेम क्या रहने वाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट व्हाट, ए माइनस जेड, मतलब अपर नंबर माइनस लोअर नंबर करोगे तो सेम आंसर आना चाहिए, बट डिफरेंट रहेगा जेड एंड ए, दोनों जेड एंड ए दोनों के दोनों डिफरेंट रहने वाले हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल.
अब मुझे बताओ, इनका एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास मैच हो रहा है क्या? आई गेस नहीं हो रहा है, बट इनके दोनों का डिफरेंस ए माइनस जेड अगर करोगे, 39 माइनस 19 20, 40 माइनस 20 20, समझ में आ रहा है? सोडियम का एग्जाम्पल करके देखो, यहाँ पे ए माइनस जेड करके देखना, सेम आंसर आएगा। ओके चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड एग्जाम्पल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है? अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम क्या रहता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम क्या रहता है? यहाँ पे सेम रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट जेड माइनस चार्ज, ठीक है? डिफरेंट क्या हो जाता है यहाँ पे? डिफरेंट क्या हो जाता है यहाँ पे? बाकी सारी चीजें ए माइनस जेड, हर एक चीज डिफरेंट रहेगी, सिर्फ सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, ठीक है? चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। करेक्ट बोल रहे थे आप शुभम, इसके एग्जाम्पल अनलिमिटेड बन सकते हैं, आप बहुत सारे बन सकते हैं। मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सीरीज बताता हूँ इनकी। ये तुम लोगों को जगह जगह पे काम आएगा, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। ओके तो ऑल दीज आर सम एग्जाम्पल्स। एंड अब अगर तुम लोग यहाँ पे ए माइनस जेड करोगे, सॉरी ए माइनस जेड बोल रहा हूँ, जेड माइनस चार्ज अगर करोगे तो क्या होगा? मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 7 माइनस माइनस 3 आंसर कितना आएगा? 10। 8 माइनस माइनस 2 आंसर कितना आएगा? 10। 9 माइनस माइनस 1 आंसर कितना आएगा? 10। तो हर एक जगह पे तुम लोगों को यहाँ पे 10 आंसर ही आने वाला है, चेक करके देखो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज नथिंग बट आयंस और एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम, ठीक है? दैट्स इट। अब फाइनली आते हैं आइसो बार, फाइनली आते हैं आइसो बार। इसकी भी तुम लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ाई होगी स्कूल में, ठीक है? तुम लोगों को डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इतनी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है? अब आइसो बार तुम लोगों को पढ़ाया होगा, क्या होता है यहाँ पे? सेम मास हो जाते हैं, सेम क्या रहता है यहाँ पे? सेम जेड सॉरी ए, एंड डिफरेंट क्या हो जाता है? जेड, ठीक है? तो चलो एग्जाम्पल लिखो। आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40, ठीक है? सो ऐसे तुम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे गाइस। कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, ठीक है? तो दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स, ऐसे हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। एंड दिस कंक्लूड्स आर आइसो सीरीज, दिस कंक्लूड्स आर आइसो सीरीज। तो गाइस कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या गाइस? आइसो बार्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कंपाउंड्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसो बार्स, ठीक है? एंड व्हाट इज द यूज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ठीक है? दैट विल लर्न इन पीरियोडिक टेबल। राइट नाउ वी डोंट हैव टू डील विद देम, we just have to remember that it is the elements having same number of electrons, elements or ions having same number of electrons, ठीक है? Okay,
तो गाइस चलो, आज वैसे भी हम डेटा कनेक्शन थोड़ा स्लो है, लकीली तुम लोगों को ऑडियो पे जम गया और लेक्चर एकदम स्मूथली हो गया। तो विल स्टॉप अर्ली टुडे, ठीक है? मैं तुम लोगों को ये इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में जेपेक फाइल बना के सेंड कर दूंगा, पीडीएफ फाइल नहीं, तो तुम लोगों को मिल जाएगी। एंड जब तुम लोगों को गेम की प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल की लिंक बोल रहे हो ना, तुम लोग रिसेंट वीडियोस में देख लेना, मिल जाएगा तुम लोगों को वहां पे। ओके चलो गाइस, बाय बाय। एंड माय मोबाइल नंबर, दोज हु वांट माय मोबाइल नंबर दे कैन से।